अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरी रमदान की फ़र्स्ट रेसिपी है, बहुत मज़ेदार चिकन नूडल्स हैं, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए हमें पैन चाहिए है, बड़े साइज़ का पैन ले लीजिए और इसे थोड़ा सा गर्म करना है। और साथ ही हमने बाकी चीज़ें ऐड कर ली हैं, अनियन है, चिकन है, आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। खैर, ये जो गार्डन मशरूम पेस्टो सॉस टाइप चीज़ होती है वो है, और ये मेरे नूडल्स हैं जो मैंने विनर से लिए थे। ये पास्ता हर्ब्स हैं, ये भी विनर से ली थी, लेकिन हर्ब्स के इन्ग्रीडियंट्स है वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, और क्वांटिटी भी, बिकॉज इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस रेसिपी एंड इट्स डिलिशियस। ओके, सो हमने जो है पैन गरम करने के बाद डालना है इसके अंदर ऑयल। ऑयल आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, मैं एवोकाडो ऑयल यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट्स हेल्दी, एज यू नो। ऑलिव भी यूज़ कर सकते हैं, बटर या मार्जरीन। और ये मेरा जो स्टोव है जला हुआ, क्योंकि हमने चाय बनाई थी और चाय ज़रा सी आप पलक छपके तो हर तरफ फैल जाती है, तो मैंने बाद में स्टोव अपना अच्छे से क्लीन कर लिया था, मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, खैर, तो हमने जो है अनियन चॉप करके रखे थे, उसमें थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है, ज़रा सा ट्रांसलूसेंट मतलब यू नो इफेक्ट आ जाए। ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज ब्राउन जो है वो फ्लेवर चेंज कर देगा, और आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट वांट दैट। ओके, अच्छा जी, तो ये करने के बाद हमने डाला है इसके अंदर वन टीस्पून जिंजर एंड 2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। ऑलरेडी बना हुआ था, इसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे तरीके दुनिया में चल रहे हैं, बट लिटरली माइन इज़ द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। खैर, तो हमने इसके अंदर चिकन ऐड किया, और चिकन हमने स्ट्राइप में काटा है, आप चाहें तो क्यूब भी काट सकते हैं, या लाइक कीमा डालना चाहें कीमा डाल दें, इट डजंट रियली मैटर, बट मुझे इस तरह पसंद है क्योंकि जिस शेप के नूडल्स होते हैं या पास्ता टाइप चीज़ होती है ना, उसी के साइज़ की चीज़ मैं बनाती हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। तो खैर, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना पानी, क्योंकि ड्राई करना था तो मुझे इसको इस दूसरे बर्तन में डालना पड़ा। तो अब इस टाइम पे हमने, क्योंकि इसको कवर नहीं करना ताकि एवेपोरेट हो जाए पानी ठीक से, वरना यू नो वो बीच में घूमता रहेगा, तो पानी वी डोंट वांट दैट, यू नो, चिकन का पानी। सो अभी जो है, क्योंकि मेरे ये चिकन ये लेग थी थाई के मीट था, तो इसके अंदर फैट काफ़ी होती है, तो मेरा ऑयल जो वो डबल हो गया है, लेकिन ऑयल मैंने निकाला नहीं था, इट वाज परफेक्ट। तो ऑयल के साथ ही हमने जो है बीच में अपने मशरूम ऐड किए हैं, मैंने 2 कैंस ऐड किए थे। आप चाहें तो इस पॉइंट पर कोई भी वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ही आपको जो चीज़ डालनी है वो डालनी, इसके बाद नहीं डाल सकते। अच्छा जी, साथ ही हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें हमने ब्लैक पेपर ऐड की है, यू नो, पिसी हुई काली मिर्च, और नमक। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, और 1 टीस्पून मैंने जब नूडल्स बॉयल किए थे तब ऐड किया था। तो हल्का सा जब हमारे मशरूम फ्राई हो गए तो मैंने ये सॉस डाली थी, थोड़ा सा मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद यू नो घुमाना फिराना ज़रूरी होता है ना चिकन को, कहीं भाग ही ना जाए। तो खैर, एनीवेज, वो करने के बाद हमने जो है इसके अंदर ये सॉल्ट मैंने अब डाला, मैं पहले बता चुकी थी। खैर एनीवेज, उसके बाद इस साथ ही हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करना है। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आपने 1 क्यूब कनोट चिकन क्यूब काट कर देना है, ठीक है। अच्छा, जो हर्ब्स हैं, आई डोंट नो, मैंने मेंशन किया कि नहीं, मैं भूल ना जाऊँ, इसके अंदर ओरिगानो है, रोजमेरी है, थाइम है, बेजल है, और रेड चिली फ्लेक्स हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, बट क्वांटिटी अगेन आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, सो आपको मुश्किल ना हो। तो ये जो नूडल्स का पानी था, स्टार्ची वाटर जो होता है, वो मैंने थोड़ा सा सेव करके रखा था, वही मैंने इसके अंदर ऐड किया है ताकि हमें एक्स्ट्रा जो है वो कॉर्नफ्लोर वगैरह घुमाना ना पड़े। तो साथ ही मैंने हैवी क्रीम ऐड कर लिया, हैवी क्रीम जो है वो छोटा वाला पैकेट है, आई थिंक इट्स 250 ml और समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट नो, आई विल मेंशन अगेन। तो ये सारा मैंने ऐड किया है, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है, और साथ ही हमने अपने नूडल्स ऐड कर देने हैं। अब नूडल क्योंकि कोल्ड हो चुके हुए थे, क्योंकि पहले से बॉईल किए हुए थे, तो पहले जो कोल्ड नूडल के ऊपर मैंने पानी हल्का सा ऐड किया ताकि वो थोड़े से ओपन हो जाएं, यू नो, खुल जाएं, चिपके नहीं, और फिर मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स किया था। अभी आपको बल्ब बुलबुले से नज़र आ रहे हैं ना, यू सी द बबल्स, सो बबल्स का मतलब है कि ये हमारे नूडल्स भी अब हॉट हो चुके हैं, सर्विंग के लिए रेडी हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढांपा था, लाइक 5 to 10 minutes, ताकि ठीक से कुक हो जाएं और सारा जो अरोमा है वो नूडल्स के अंदर भी ऐड हो जाए। तो खैर, यहाँ पे हमने सर्व किया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए पार्मेसान चीज़ थोड़ी सी स्प्रेड की थी, स्प्रिंकल की थी, बिकॉज ही लव पार्मेसान चीज़, बट मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैंने ऐसे ही खाया था और ये बहुत मज़े का बना था। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में आके बताना है कि आपको कैसे लगी। मुझे अपने मेरे बाकी के चैनल्स पर भी, यू नो, नॉट चैनल्स बट माई अदर व्हाट यू कॉल इट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा यूट्यूब, टिकटॉक, एवरीवेयर, बट मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आई होप लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।